घग्गर दरिया में पंजाब के उद्योगों का पानी छोड़े जाने से सिरसा जिले के किसान परेशान हैं। घग्गर का पानी सिरसा जिले के 100 गांवों की सिंचाई और पीने की जरूरत को पूरा करता है। गंदे पानी के कारण फसल खराब हो रही है। घग्गर का पानी पीने से इंसान और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। पानी के कारण उत्पन्न मच्छर भी बीमारियों का कारण बन रहे हैं। इलाके के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पहले घग्गर का पानी साफ और सेवन के योग्य होता था, पिछले कुछ वर्षों से गंदे पानी की शिकायत शुरू हुई है। जी, पिछले 20 सालों से अधिक समय से घग्गर में ये केमिकल युक्त पानी इन दिनों में आता है, लेकिन जब ये बारिश के दिनों में यहाँ सिल्ट युक्त बढ़िया पानी बहता है, लेकिन जब ये अगस्त सितंबर के बाद ये ऐसा पानी आना शुरू हो जाता है और इससे मतलब बहुत लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही है और ये खतरनाक केमिकल युक्त पानी है, इसको रोका जाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने भी प्रयोग उठाए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इसका सामने रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया। ये फैक्ट्रियों से गंदा पानी आ रहा है, तो फसल की ऐसा है जी, जो सिल्ट युक्त पानी होता है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये पानी लोग मजबूरी में लगा रहे हैं। हरा चारे को अगर ये पानी लगा दे तो वो चारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और दो दिन में अगर इसको पानी लगा दे तो दो दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वैसे आम लोग इसको पानी को अवॉइड करते हैं, नहीं लगाते इसको। काला पानी ये ना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसको ट्रीट करके किया जाए, कैसे भी करके इसको ये पानी इसकी जगह पुराने बुजुर्ग जो हमारे बताते हैं कि यहाँ पे पानी बहुत साफ आता था इन दिनों में, लेकिन टाइम के साथ साथ वो सारी चीज़ खत्म हो गई है। अब तो इतने मच्छर हैं, अगर रात को मतलब सोने भी नहीं देते कभी कभी, तो ये भी फैलती बीमारियाँ तो फैलेंगी, जैसे मतलब मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह बीमारियाँ तो फैलती हैं। आप गाँव में जाके पता करो कितने लोग बीमार हैं। फसल के लिए भी अगर जब मतलब है, अब तो ये तो मजबूरी में लोग लगाते हैं। हम तो कहते हैं कोई दूसरी नदी से इसमें पानी जोड़ा जाए और साफ पानी आए और ये पानी बंद किया जाए। सिंचाई तो इस तरह है जी, पंजाब से लेकर आगे लाओ तक रकबा है, इधर जमाल साइड है वो भी सारी इसी से बहाल हो रहा है, जैसे जकुबड़िया खारिया आगे केरवाला तक तो जाती है। तो पहले एक दो बार की है, बाकी इसका मसला हल हुआ नहीं। सिरसा की ADC अमना तस्नीम ने माना कि घग्गर दरिया में गंदा पानी आने की शिकायत प्रशासन को मिल रही है। यह एक इंटरस्टेट मुद्दा है और इसे उपयुक्त मंच पर उठाया जाता है। उन्होंने बताया कि पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। ये देखने के लिए जो घग्गर नदी में पानी जा रहा है, गाँव का जो बरसात का पानी है या डिस्चार्ज जो जा रहा है, उसके अंदर पोल्यूशन का कितना लेवल है, उसमें क्या क्या बीमारियों के कीटाणु हैं और क्या क्या केमिकल्स हैं। तो घग्गर नदी में जहाँ जहाँ पे पानी छोड़ा जा रहा था गांवों से, तीन जगहों से सैंपल लिए गए हैं और उन सैंपल्स की अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जांच करेगा। ये एक इंटरस्टेट मुद्दा है और इस बारे में पंजाब सरकार से हरियाणा सरकार की वार्तालाप काफ़ी समय से चल रही है कि कैसे इसको ओवरकम किया जाए, जो ये पोल्यूशन है, क्योंकि घग्गर नदी जो बुजुर्ग हैं इस एरिया के, फतेहाबाद सिरसा के, वो बताते हैं कि घग्गर नदी का पानी पीने योग्य था और अब इतना पोल्यूटेड हो गया है कि वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता है। तो ये एक इंटरस्टेट मामला है, आई एम श्योर इस लेवल पर भी बातचीत जारी है। लोगों के लिए बिल्कुल खतरनाक है और लोग इसको बिल्कुल अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।